हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं ONGC के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 5 मई 2022 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने ज़ीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ज़ीरोधा की और अपस्टॉक्स ही दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है वो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले ONGC में यहाँ पे आज के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन ONGC में हमें जो है देखने मिला है 3.77% का यहाँ पे एक पॉजिटिव क्लोजिंग, और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 162.25 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही जो यहाँ पे एक पॉजिटिव मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई डाउनसाइड आने वाली है उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपका कल के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर जो आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे, और यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है जरूर जो हमारा एक ओपिनियन देंगे। तो चलिए अब जाते हैं हमारे वन डे के चार्ट में और वहां पे देखते हैं आने वाले दिनों में स्टॉक में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे वॉल्यूम की तो एवरेज सा हमें वॉल्यूम जो देखने मिल रहा है। कैंडल यहाँ पे जरूर एक यहाँ पे हमें मीडियम साइज की है, तो मैं कहूँ तो एक तरह से स्मॉल टू मीडियम साइज की कैंडल हमें बनती हुई देखने मिल रही है और दोनों साइड में हमें विक जो देखने मिल रही है। बात अगर मैं करूँ यहाँ पे RSI की 42-43 के आसपास जो हमारा RSI आ चुका है जो हमें जरूर यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंट का जो इशारा देता है। लेकिन याद रखना RSI हो या फिर कोई और इंडिकेटर, हम जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मूवमेंट देते हैं हमें जो है उसे जरूर कंसीडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। अब रही बात यहाँ पे मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो करंटली आने वाले दिनों के लिए स्टॉक जो हमें थोड़ा अपसाइड जो है मूवमेंट दे सकता है। कहाँ तक दे सकता है अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे 167 तक एक हमें अपसाइड मूवमेंट जो देखने मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ये जो अपसाइड मूवमेंट है सारा का सारा टेम्पररी है। इसका मतलब स्टॉक में हमें फिर से जो है वापस से जैसे यहाँ पे 167-168 के पास आए हमें वापस से एक डाउन साइड जो देखने मिलने वाली है। जरूर यहाँ पे स्टॉक में कॉशियली काम करें। बाकी यहाँ पे आप जो है जरूर एक यहाँ पे पोजिशनल ट्रेडिंग जो जरूर कर सकते हैं, तो उसको यहाँ पे आप जो है यहाँ जरूर देखें और उसके बेसिस पे यहाँ पे अपना ट्रेड जो है वो ले। बाकी आपको यहाँ पे क्या लगता है स्टॉक में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को भी दबा दे, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे फोर वीडियोस मतलब फोर स्टॉक्स जो है एनालाइज करके लाते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए आप जरूर बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो है वो ऑन कर ले। तो यहाँ पे अब आते हैं 1 आवर के चार्ट में और यहाँ पे बात करते हैं स्टॉक में हमें जो है कल के दिन यहाँ पे क्या देखने मिलने वाला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्क थे, उसको यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो एक दो यहाँ पे रिमूव करके एडिशनल जो दूसरा यहाँ पे हमें डेटा देखने मिल रहा है उसको यहाँ पे जरूर जो मैं मार्क करके रख देता हूँ। तो जिस तरह से मैं मार्किंग कर रहा हूँ आप जो जरूर अपने चार्ट पे जो मार्किंग्स कर ले, क्योंकि ये मार्किंग जो आपको हेल्प करेगी अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो मेंटेन करने में। तो यहाँ पे ऐसे ज्यादा कोई मार्किंग्स थी नहीं, लेकिन जो हमने एडिशनल और डिलीशन यहाँ पे किया है उसी को आप देखिए। बाकी यहाँ पे बात करते हैं इसके क्लोजिंग की, तो 162.25 के आसपास जो यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट यहाँ पे था 161.15 का, डायरेक्ट रेशन यहाँ पे बनता है 162.45 का। तो याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेशन का जो एरिया होता है वो होता है नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस बीच में अगर आपको स्टॉक जो घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको जो है वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर कंफर्मेशन कैंडल को देखते हो जो यहाँ पे अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता है कंफर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया है जरूर जब उस वीडियो को देख ले। वहाँ पे हमने किस तरह से आपको कंफर्मेशन कैंडल देखनी है, किस तरह से यहाँ पे अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो है मेंटेन करते हुए चलना है, साथ ही साथ इंट्राडे में चाहे हमारा स्टॉक नीचे जाए या फिर ऊपर जाए आप किस तरह से इंट्राडे में जो प्रॉफिट कर सकते हैं वो भी हमने आपको समझाया है। तो जरूर जब उस वीडियो को पूरा का पूरा देख ले। अब रही बात यहाँ पे मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में कल के लिए, तो कल के लिए मेरा ओपिनियन कहने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता है 160.30 का,
उसके बाद क्या था 159.40 का। यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद का अगला रेजिस्टेंस आता है 163.50 का, उसके बाद क्या था 164.50 का। तो यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको बताए हैं, जरूर जब उसी को कंसिडर में रखते हुए जो अपना यहाँ पे कल के दिन का जो ट्रेड ले। अब रही बात यहाँ पे मेरे ओपिनियन की स्टॉक में आज के क्लोजिंग के बेसिस पे कल के लिए यहाँ पे मैं कहूँ तो मेरा ओपिनियन इस स्टॉक में जरूर एक यहाँ पे नेगेटिव साइड का जो बन रहा है, मतलब स्टॉक में हमें जरूर एक नेगेटिव क्लोजिंग जो देखने मिल सकती है, क्लोजिंग यहाँ पे नेगेटिव हो सकती है। बाकी गैप अप ओपनिंग यहाँ पे होती है या फिर गैप डाउन होती है वो तो हमें जरूर देखना है। अगर गैप अप यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस को क्रॉस करते हुए थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर वापस से नीचे हमें स्टॉक गिरते हुए देखने मिलेगा, लेकिन जरूर एक नेगेटिव साइड में चाहे वो स्लाइट हो यहाँ पे या फिर थोड़ा सा ज्यादा हो। करेंटली अगर न्यूट्रल सा ओपनिंग हुआ या फिर गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो नो ट्रेडिंग एरिया के बीच में मुझे लगता है स्टॉक में हमें क्लोजिंग जो देखने मिल सकती है, मतलब नेगेटिव मुझे अभी भी कल स्टॉक में जो लगने वाला है। बाकी आपको क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना, और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।